हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वेश्चन बैंक पे। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये जो न्यूज़ है ये आपके एसएससी एमटीएस के रिज़ल्ट का जो कट ऑफ है उससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रेशर्स लाइव जो है ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो इन्होंने आपके एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कट ऑफ शेयर करी है कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, एक सटीक अनुमान लगाया है। सबसे पहले देख लेते हैं एसएससी एमटीएस पेपर वन रिज़ल्ट 2019। एसएससी विल रिलीज़ द एमटीएस पेपर वन रिज़ल्ट ऑन 5 नवंबर 2019 को। आपका पहले का रिज़ल्ट आया था। एसएससी एमटीएस कट ऑफ मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द नेक्स्ट राउंड ऑफ एग्जाम। कैंडिडेट हु अपियर्ड इन द एग्जाम कैन नाउ चेक आउट द पोस्टपोन डेट ऑफ एसएससी एमटीएस वन रिज़ल्ट। एसएससी एमटीएस 2019 हैपेंड ऑन 2 अगस्त टू 22 अगस्त 2019। कैंडिडेट कैन ऑल्सो चेक, तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नोटिफिकेशन 5 नवंबर को हुआ था इसका रिजल्ट डेट, और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाया है कि कितनी जा सकती है। तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं आप, जनरल की 65 से 75 के बीच में है, एससी की 60 से 70 के बीच में है, एसटी की 50 से 60 के बीच में है, ओबीसी की 60 से 70 के बीच में, एक्स सर्विसमैन की 30 से 40 के बीच में, अदर हैंडीकेप की 60-70 के बीच में, विजुअली हैंडीकेप के 50-60 के बीच में, हियरिंग हैंडीकेप के 30 से 40 के बीच में। तो आपका सेकंड पेपर होने के बाद ये इन्होंने कट ऑफ का अनुमान लगाया है। अगर आप इस रेंज में पढ़ रहे हैं तो इसमें ये सेफ स्कोर है एक तरह से। तो ये आपका एसएससी एफटीएस का जो 2019 का टायर टू का रिज़ल्ट होने के एग्ज़ाम होने के बाद का रिज़ल्ट का अनुमान है, क्योंकि आपको पता है टायर टू का क्वालिफाइंग इन नेचर था और आपके जो रिज़ल्ट आएगा वो फर्स्ट जो पेपर हुआ था उस बेसिस में ही आएगा। तो ये एक कट ऑफ का अनुमान था एसएससी एमटीएस से रिलेटेड। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।